हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2020 में संचालित किए जाने वाले मैट्रिक व जमा दो कक्षाओं के नियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए संभावित सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक व जमा दो की वार्षिक परीक्षा में 10 से 12 लाख के लगभग परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। डेट शीट के संबंध में किसी अध्यापक, विद्यार्थी या विद्यालय प्रमुख का कोई प्रस्ताव, सुझाव हो तो लिखित रूप में बोर्ड कार्यालय को ईमेल के माध्यम से 20 दिसंबर 5 बजे तक प्रेषित किया जा सकता है, ताकि बोर्ड द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करने के उपरांत दिनांक सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। संभावित डेटशीट के अनुसार दसवीं मैट्रिक के नियमित, अनियमित तथा राज्य मुक्त विद्यालय सेकेंडरी कोर्स की वार्षिक परीक्षा मार्च 6 मार्च से शुरू होगी। वहीं जमा दो की रेगुलर व स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों की परीक्षा 5 मार्च से होगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश्वर मोत्रा ने बताया कि मैट्रिक व जमा दो की संभावित डेटशीट जारी की गई है। परीक्षा में 10 से 12 लाख के लगभग विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। संभावित डेटशीट जारी करके 20 दिसंबर तक शिक्षकों, विद्यार्थियों व स्कूलों से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव आना शुरू हो गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें परीक्षा के लिए समय अधिक मिलना चाहिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर फाइनल डेटशीट जारी की जाएगी। कांगड़ा के साथ मटौर के बगली रोड पर बाइक और स्कूटर की टक्कर होने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत होने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर सवार इच्छी निवासी अश्विनी और स्कूटर पर सवार सतीश की टक्कर होने से बाइक सवार अश्विनी की मौके पर मौत होगी और स्कूटर सवार सतीश को गंभीर चोटें आई हैं। घायल सतीश कुमार का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारा योजना के तहत पात्र मरीजों को आवेदन प्रपत्र आशा वर्कर के तहत भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ पात्र मरीज आवेदन कर सकता है। साथ ही मरीज का आवेदन प्रपत्र भरने पर आशा वर्कर को भी 200 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना के तहत 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक नए परिवारों का पंजीकरण व पुराने कार्डों को रिन्यू किया गया। इस योजना के तहत अभी तक 15,085 कार्ड धारकों को उपचार की सुविधा प्राप्त करवाई गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के बीएमओ एवं एसएमओ ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न योजनाओं का रिव्यू करने के अलावा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच, एमएस टांडा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भारद्वाज, एमएस धर्मशाला डॉक्टर दिनेश महाजन, एमएस पालमपुर डॉक्टर विनय महाजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेश चूद, डॉक्टर आराधना, डॉक्टर राहुल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि हिमकेयर योजना के तहत कोई भी समस्या पेश आने पर कार्ड के पीछे लिखे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही संस्थाओं में मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के तहत मरीजों को दवाई भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत हेल्थ सब सेंटर में 43, पीएचसी में 106, सीएचसी व सिविल अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में 330 प्रकार की दवाइयां निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में 11 वर्ग के मरीजों को फ्री डायग्नोस्टिक की भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिनमें 56 प्रकार के टेस्ट निशुल्क भी किए जा रहे हैं।